हेलो गाइस, तो आप लोगों को तो याद ही होगा जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई थी मुंबई पे। उस वीडियो पे इतना सारा प्यार मिला आप लोग का, हज़ारों से भी अधिक लोगों ने वीडियो को देखे अभी के टाइम पे। और कई लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट किए कि भाई आपने जितने भी जॉब्स बताए उसमें सारे ठीक हैं, बट आपने उस वीडियो में थोड़ा सा एज ए किचन हेल्पर के बारे में बताया था कि आप किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में एज ए किचन हेल्पर का काम कर सकते हो। इस पर कितनी सैलरी मिल जाती है, रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, मैं आपको बताऊँ। मिनिमम ये 10th और 12th के बाद आप ये काम आराम से कर सकते हो। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जरूरत पड़ेंगे, फिर मैं आपको अप्लाई प्रोसेस बता दूंगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, फिर सैलरी कितनी मिल जाएगी ये भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स शेयर कर देता हूँ, और मैं आपको पहले बता दूँ मेरे 20,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं उसके लिए थैंक्स। और पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट शेयर कर, देखो ये काम आप बेसिकली किसी भी होटल रेस्टोरेंट में आराम से मिल जाता है आप लोग को मिनिमम 10th और 12th के बाद। सेकंड डॉक्यूमेंट होता है आपका एज लिमिट जो कि 18 एबव होना चाहिए। थर्ड होता है आइडेंटिटी प्रूफ लगता है आप लोग का, बेसिकली आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी क्वालिफिकेशन है आप लोग की, ये सारी चीज़ें जरूरत पड़ती है, ठीक है। और भी रिक्वायरमेंट कोई खास नहीं है, इतने पे आपको जॉब मिल जाएगी। सेकंड होता है कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। अप्लाई आप दो तरीक़ों से कर सकते हो। पहला इंडीड डॉट कॉम वेबसाइट्स हैं, जैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, इंडीड डॉट कॉम बहुत ही ट्रस्टेड लगता है मेरे को, मैंने काफ़ी सारे जॉब इसी सर्च किए हैं। पहला, दूसरा होता है आपका लिंक्डइन हो गया, अपना ऐप हो गया, सारे बेस्ट हैं, ठीक है। इनमें से आप जॉब्स, कोई प्रमोशन नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। देखो, किचन हेल्पर की जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग में थोड़ी कम मिलती है, क्योंकि अभी हेल्पर के तौर पे काम करो, कुछ दिनों बाद अब जब आप काम सीख जाते हो तो आपको अच्छी पैसे मिलते हैं। बट हेल्पर के तौर पे आपको जो ऑन एंड एवरेज मिलता है वो 14,000 से लेकर 22,000 तक मिल जाता है। अलग अलग होटल्स में डिपेंड करते हैं, लग्जरीज होटल में और ज़्यादा मिलता है। तो अभी ना जब स्टॉप, कोई डाउट कमेंट करो। बाय बाय।